श्री नीतीश कुमार, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, नाराजगी भी दिखाई दे रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी नाराज बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं हम जुमे की नमाज पढ़ने जाएंगे, अगर नहीं पहुंच पाए तो कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट आ रही है सामने, उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार, दूसरे नंबर पर तेजस्वी, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप, चौथे नंबर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी। ये एक लिस्ट है जिसके लिहाज से बहुत साफ है कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, और लिस्ट में चौथे नंबर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम है। कुमार अभिषेक, और क्या जानकारी है? देखिए प्रसून जी, ये लिस्ट ये एक तरीके से ये साफ कर दिया है कि हायरार्की क्या होने जा रही है, और यही वजह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। हमने जब उनका इंटरव्यू किया था, उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऊपर से भले वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर में उनके इस बात का मलाल है कि नंबर टू की बात तो छोड़ दी जाए, डिप्टी सीएम की बात छोड़ दी जाए। उन्हें इस बात की का अंदाजा जरूर है कि तेजस्वी और तेज प्रताप के बाद उन्हें शपथ लेना है। साफ तौर पर लालू यादव ने भी एक तरीके से अपनी स्थिति साफ कर दी है, क्योंकि तेजस्वी के बाद तेज प्रताप का नंबर है और उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी आ रहे हैं। साफ तौर पर पार्टी के भीतर जिस अंतर्द्वंद से लालू यादव जूझ रहे थे, वो अब एक तरीके से साफ दिखाई देने लगा है कि वही होने जा रहा है। और जो हायरार्की हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके मुताबिक साफ है कि अब तेजस्वी घोषित तौर पर उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हालांकि फिलहाल कैबिनेट की ही शपथ होगी। तो जुमे की नमाज के बाद पहुंचेंगे ना? देखिए प्रसून जी, हमारी जो उनसे बात हुई, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें, उनसे जो बातचीत करने का उनका जो लहजा था, वो अगर हम समझने की कोशिश करें, तो उनकी नाराजगी साफ तौर पर, और उन्होंने एक बात कह दी कि जुमे की नमाज से अगर हमारा मंत्रिमंडल शपथ छूटता है तो छूट जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। उनकी नाराजगी साफ है। अगर उनके कहने का मतलब यह है कि वो शपथ ना भी ले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके मन में भी ये अंतर्द्वंद चल रहा था आज सुबह से, जो हम लोगों ने उनको रीड किया, वो ये कि क्या मैं मंत्रिमंडल में जाऊं या नहीं, ये अंतर्द्वंद, ये लड़ाई भी उनके मन में चल रही थी जो हम लोगों ने सुबह से देखा है, लेकिन ये है कि वो मंत्रिमंडल में जा रहे हैं। मृत्युंजय जी, आरजेडी के भीतर की नाराजगी सिर्फ ऐसे ही है या वैसे भी है? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है वाजपेयी जी, और इस तरह के कयासों का हमने पहले भी जब महागठबंधन बना था तो उस समय से बहुत तरह के लगाए जाते थे कि लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानेंगे कि नहीं, सीटों का बंटवारा होगा कि नहीं, इसलिए बहुत तरह की बातों का कयास लगाया जा रहा है। मैं आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आज महा शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा है, ये जो उत्सव का माहौल है, पूरे देश में के दिग्गज नेता इसमें जुट रहे हैं, और जिस तरह से महागठबंधन के बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, उसी तरह से महागठबंधन का महाविजय और ये महा शपथ ग्रहण समारोह, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, और इस शपथ ग्रहण समारोह का पूरा बिहार की जनता और आप लोग सब लोग को हम कह रहे हैं कि आप देखिए इस समारोह को कितने उत्सव के रूप में बिहार की जनता गवाह बन रही है, और देश के जाने माने राजनीतिक हस्ती इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बन रहे हैं। बड़ा शानदार मंच तैयार किया गया है, कितना खर्चा आया? देखिए, जब शानदार विजय है तो शानदार मंच भी बनता है कि शानदार मंच हो शानदार विजय का, और इसलिए इस शानदार मंच पर शपथ ग्रहण भी शानदार होगा और काम भी शानदार होगा, और जो जिम्मेवारी जनता ने सौंपी है उस जिम्मेवारी पर 100% खरा उतरे, यही महागठबंधन और नीतीश कुमार जी का जो साथ निश्चय है, इस पर हम बिहार की जनता को हमको काम करना है, और ये हमारा काम सिर्फ भाषणों में और विकास के माला जपने से और विकास का नाम सिर्फ सुनाई नहीं देगा, वो दिखाई देगा।
तो पैसा पार्टी फंड का है या जनता का है? देखिए पैसा जनता का है, पार्टी फंड का पैसा है, ये तो आप देख रहे हैं कि ये जो महाविजय है इसका इसी तरह का उत्सव। और पहले भी नीतीश कुमार जी जब एनडीए में भी थे तो 2005 में और 2010 में भी गांधी मैदान में ही उन्होंने शपथ लिया था, और गांधी मैदान में जब गांधी जी की मूर्ति है और यहीं से बगल में जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति है, और ये परिवर्तन का, देश की राजनीति की परिवर्तन का ये गांधी मैदान गवाह रहा है। और इसलिए जिस तरह से देश में आज विपक्ष मजबूत हुआ है बिहार चुनाव परिणाम के बाद, और ये शपथ ग्रहण समारोह इस बात का गवाह बन रहा है, और ये पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक रहा है जहां से कभी जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरी थी, और यह गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी भी तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं, और देश की राजनीति की दशा और दिशा भी करवट लेगी। तो ये जो आपके पीछे जो कुर्सियां खाली है वहां जनता बैठेगी या कुछ खास लोग, विशिष्ट लोग? नहीं, ये जो हमारे पीछे कुर्सियां ये मीडिया के लिए है, और ये जो बनाए गए हैं इसमें अति विशिष्ट लोगों के लिए है। अवधेश जी, गठबंधन बहुत सरलता से सरकार बनाने में मुश्किल, मान रहे हैं कि नहीं? आपने मुझसे पूछा? जी आप ही से, अखिलेश जी। नहीं, अवधेश ने अखिलेश प्रताप से। नहीं नहीं, इसलिए देखिए मैं आपको और इसके पहले सोनावास आपको सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सुनूंगा, लेकिन उससे ज्यादा बोला नहीं जा सकता। इतना सोनावास साहब ने बोला था, उससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता विपक्ष के नेता के तौर से, और अपनी पीड़ा को व्यक्त उससे ज्यादा नहीं किया सकता। और आपने भी जो पूछा जो बोला, अगर यही शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी के होती तो वो सवाल करने से पहले कई बार आप लोगों को सोचना पड़ता। मोदी जी का मंच चुनाव से पहले। अखिलेश जी सुन लीजिए एक मिनट, हमारे पास टेप है। मोदी जी गुजरात में स्टेडियम में कर रहे थे, रथ पे सवार थे, गवर्नमेंट उस समय भी हुआ था, रामलीला मैदान में बीजेपी की रैली, गवर्नमेंट उस समय भी हुआ है। आप गड़बड़ी मत कीजिए, हम अंतर नहीं देख पा रहे हैं जो भव्यता है। जी बोले, भव्यता का अंतर आज ये सरकारी कार्यक्रम होता है, और यही देखिए लोकतंत्र की यही खूबी है जो तानाशाह सोच वालों की विचारधारा में नहीं होती है। हम आप कोई स्वतंत्र है सवाल करने के लिए, करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, मैं उसकी बुराई नहीं मान रहा हूँ, लेकिन यही छूट हर जगह होनी चाहिए, दूसरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप सवाल किए, किसी को बुरा नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को बुरा लगता है अगर आप पूछ लें या कर लें तो वो चढ़ बैठेगा और उसका एटीट्यूड दूसरा हो जाता है। आपके एंकर का मान्य देखा, कोई बुराई नहीं है, आपको अधिकार है बातें करने का। हाँ ये जरूर है, जो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार, झारखंड में गठबंधन की सरकार, उसके बाद दिल्ली में सुपड़ा साफ, लेकिन बिहार ने ये मैसेज दे दिया कि हाँ मोदी जी का और अब ढलान की तरफ आ गया। तब तक लोग स्वीकार नहीं रहे थे, बीजेपी के लोग और कुछ लोग मिलकर ही मान रहे थे कि अभी रिकूप कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने जो लोग पाकिस्तान बता रहे थे भेज रहे थे उनको नापाक करके नापाक कर दिया यहीं पे और हाशिए पे खड़ा कर दिया। तो ये गठबंधन उस वक्त सफल हुआ कि जब देश और दुनिया मानती थी, हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग मानते थे कि मोदी जी बहुत अपने उरूज पे हैं, लेकिन उस भ्रम को तोड़ा, जनता का जो मूड था वो मतदाताओं के थ्रू ही दिखता है, मानने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन उसको कंफर्म कर दिया बिहार की जनता ने। और अब ये भी तय है कि ये अब आगे नहीं बढ़ना है, इनका उरूज ये ढलान पे जाना है, क्योंकि सरकार को काम देना पड़ता है, और केंद्र की सरकार ने कोई ऐसे कदम या कार्य निर्णय ऐसा नहीं किया कि देश की जनता उन पर विश्वास करे। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, महंगाई पे चले जाएं, बेरोजगारी पे चले जाएं, कारोबार पे चले जाएं, या रुपए का मूल्य, तो वो कुछ आज उनके पास अपनी थाती नहीं है। इसीलिए बिहार के चुनाव में भी मोदी जी ने अपने सरकार की कोई उपलब्धि नहीं बताई। गुजरात तो भूल ही गया, रोल मॉडल जिस गुजरात को बताते थे कभी उसका जिक्र तक नहीं करते आज के भाजपा के लोग मोदी जी। तो अब हमारा कहना यही है कि कहीं भी चुनाव होगा माननीय मोदी जी ही चुनाव जो लड़ते थे, अब वो अपना स्थान प्राप्त करते जाएंगे जिस तरह से बिहार में पाए हैं। ओके, ये मैसेज एक निकल रहा है जो बात आप अखिलेश जी कह रहे हैं, उर्मिलेश जी जरा इस मैसेज को जरा पकड़े हम सवाल ये नहीं है कौन रूठ रहा है कौन, मैसेज बड़ा बार बार कांग्रेस दे रही है दिल्ली की तरफ, मोदी सरकार की तरफ,
ये मैसेज बिहार के शपथ ग्रहण समारोह से सांकेतिक तौर पर लग रहा है या लग रहा है नहीं, अब इसका राजनीतिक तौर पर भी बढ़ेगा आगे? देखिए बड़ा मिक्स्ड है, थोड़ा अगर वक्त हो तो मैं बताऊं, मुझे जो लग रहा है कि जब ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब चुनाव से पहले एक हुए थे और जब तक चुनाव लड़ा गया बहुत ही स्मूथ चला है, कांग्रेस का इंक्लूजन जो है उस गठबंधन में सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ है। लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों दुष्यंत कुमार की संभवतः वो लाइन है वो याद आ रही है और आप कोहरा का बार बार जिक्र कर रहे हैं हवाई जहाज़ों के उतरने को लेकर, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मुझे लगता है कि आज पहला दिन है, अभी सरकार ने शपथ भी नहीं लिया है और लोग कहेंगे कि कटु बातें क्यों हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खासकर इस तरह की धारा के लोगों को जो एक सहनशीलता दिखानी चाहिए और ग्रहण करना चाहिए कि क्या सब कुछ है, तो ये उस तरह की स्मूथनेस नहीं दिखाई दे रही है जो चुनाव के दौरान दिखी थी और गजब का उनके बीच केमिस्ट्री थी दोनों नेताओं के बीच, बल्कि कांग्रेस को भी मैं कहूँगा कि उनके तीनों के बीच। लेकिन आज अब कोई रूठ रहा है कि हमें मंत्री नहीं बनाया, कोई उधर कह रहा है कि हम जुमे की नमाज के बाद जाएंगे, ठीक है बिल्कुल वो रिलीजियस मामला है और करना चाहिए, जो उपासना पद्धति है उसको यकीन जो करता है करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बाहर आ रही हैं, बाहर आने का मतलब कहीं ना कहीं कोई समस्या है, आग है, कहीं ना कहीं जल रही है आग तो धुआं निकल रहा है, तो इसको जरूर सोचना होगा इन तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं को कि पूरे चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री ही नहीं दिग्विजयी रथ पर सवार बड़े नेता, उनके रथ को आपने बिहार की सरजमी पर रोका है, लेकिन आपकी सरकार बनने से एन पहले अगर ये धुआं उठ रहा है तो इसकी वजह क्या है, इसको जरूर तलाशना होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जरूर हो रही हैं। लौटते हैं, तुरंत लौटते हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ये लगातार शनवाज जी के चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। लालू यादव के परिवार के तमाम सदस्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहनवाज जी आपसे एक सवाल लग ये रहा है कि निगाहों में मोदी सरकार, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, शपथ ग्रहण का मतलब यही है? देखिए पुन प्रसून जी, जब आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो मैं आपके सामने बैठा हूं, ठीक रिजल्ट का दिन है नहीं, अखिलेश प्रताप जो पहाड़ा पढ़ रहे थे ये हो गया ढलान है, एक एक शब्द को तीन बार उन्होंने कहा ढलान ढलान ढलान, तो उसका नहीं है, आप जीत गए हैं, आपको मुबारक हो और आपकी सरकार अच्छी चले, इसके लिए भी मुबारकबाद देते हैं, स्वीकार कीजिए। आज के दिन जब जीत जाते हैं तो हारने वाले को हार का एहसास हो तो जीतने वाले को भी जीत का एहसास होना चाहिए। अब बारी सिद्दीकी साहब के लिए दिक्कत यह है कि तेजस्वी और तेज प्रताप जी मंत्री हो रहे हैं और ठीक है उन्होंने तो बहुत अच्छा आपको बयान दिया है, उसी को अगर बार बार दिखाएं तो कोई पैनल पर उनके पार्टी की तरफ से कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही अभी असेंबली में आरजेडी के नेता हैं और आरजेडी में जब राबड़ी देवी जी चुनाव हार गईं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ही वहाँ पर विपक्ष के नेता रहे कई साल तक, और आज जुमे का दिन है, उनको नमाज पढ़ना है, वो नमाज पढ़ते हैं, ये उनकी अपना रिचुअल है जो उनको करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो सिर्फ आज बधाई देने के लिए बैठे हैं, आज कोई आलोचना करने के लिए नहीं बैठे हैं, न सिर्फ आपकी विवेचना सुनना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कितना गरूर और तकब्बुर से भरा हुआ बयान हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो आज देते हैं, उसको भी सुनने को तैयार बैठे हैं। तो सही है, दिन आज का आसान नहीं है कि हम आकर कोई कमियां निकाल लें, और हम जानते हैं कि उनका कोई भी प्रवक्ता आकर बिहार सरकार की जगह केंद्र सरकार पर डिबेट शुरू कर देगा, ये भी हमें एहसास है, लेकिन फिर भी अगर अच्छा माहौल नजर आने लगा गांधी मैदान का, लालू यादव का पूरा परिवार पहुंचा हुआ है, अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंच गए हैं, ममता बनर्जी से कुछ मिनटों बाद उनकी मुलाकात होनी है, ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि किस तरीके से शपथ ग्रहण सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं है बल्कि बाबूलाल मरांडी भी नजर आ रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं,
वह भी नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि किस रूप में मौजूदगी वहां पर सिर्फ शपथ ग्रहण में जस्ट मनाने भर की नहीं है बल्कि आगे की राजनीति की भी है। निसगम मणि पमग निपम निपमग स निपमनि सपस जहाँ तक याद याद आती रहेगी।